कभी आज तक ऐसा नहीं देखा। आपने केएल राहुल को ऊपर भेज दिया, चलिए पांच पे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपने उनको चार पे भेजा। सूर्य को भेजना चाहिए था, उसकी पोजीशन है वो। खैर, राहुल आए फोर पे, फिर अक्षर आए पांच पे, फिर हार्दिक छह पर आए, फिर सूर्य सात पर आए और जाडेजा आठ पे आए। सर मतलब एक टाइम पे तो आई थिंक चार के बाद ही, जब चार पे राहुल दिखे उसके बाद ही कुछ ऐसा ही हो गया था, ओइं अब क्या, ओइं अब कौन आएगा, कुछ गैस ही नहीं कर पा रहे थे हम कि चल क्या रहा था। आई थिंक सवेरे का जो पहला शो था, जब आप हमने एक बात दिखाई थी कि क्या बोला है कि सूर्य को कैसे बैक कर रहे हैं और किसी को वोट देना चाहिए जी, तो उस लिहाज से आप देखें तो ऐसा लगता है कि यार सवेरे कुछ शाम को कुछ हो गया ना क्या आपने, क्योंकि एक तो है हाँ खिलाया जरूर कोई, बाकी लोग जो चर्चा कर रहे होंगे उनका मानना था खेलना ही नहीं चाहिए, आप उससे आगे जरूर बढ़े, आपने कहा नहीं नहीं खेलना जरूर चाहिए, लेकिन आपके मन में भी डाउट आ गया है ये तो फैक्ट है इसमें, मतलब वो तो आपके एक्शन से दिख रहा है कि आपके मन में डाउट आ गया कि यार अभी फॉर्म में नहीं है या अभी इनको ना इस वक्त नहीं भेज सकते कि यार ये स्विंग को नहीं खेल पा रहे, क्योंकि पिछली दो इनिंग होगी तो यही डाउट में आया होगा, पहली गेंद पे आउट हो गए, लेकिन एंड में जब आए वो तब तक गेम और भी उसकी मुश्किल जगह पे पहुंच गई थी। और उस इंसान का किसी का भी टाइम देखें, जब आपका अच्छा टाइम है तो आप जितना उसको वेट करवाएं ना कोई बात नहीं, उसको उतना ही अच्छा याद रहेगा, लेकिन अगर टाइम ही खराब है और अगर आपको लगता है और उन्हीं को लग रहा है और या उनको नहीं भी लग रहा और आपने किसी को रोक दिया, तो वो जितनी देर इंतजार करेगा वो उसके माइंड में तो वही चलेगा। गुड पॉइंट। यू नो ह्यूमन बीइंग है कोई भी, जितना मर्जी बड़ा खिलाड़ी हो, और फर्क क्या होता है, ये वही सूर्य कुमार यादव है सर जिसने सारे ग्राउंड के 360 डिग्री प्लस ऊपर वाली डिग्री अंडर वाली डिग्री सारी जगह शॉटें मारी है। तो ऐसा तो नहीं है कि इनको खेलना नहीं आता, तो फर्क यही होता है कि उस आदमी की माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। और ये खेल है, और ये खेल, और इस खेल में जो भी खेला है, दो साल पांच साल दस साल, कोई छह महीने ही खेला हो साल खेला हो तो एक बात है कि हो सकता है कि वो सिर्फ अच्छा टाइम देखा हो, जब विराट कोहली जैसे को इतना वक्त लग सकता है जब आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या जो भी वजह होती है, तो इसका मतलब है कि कुछ होता है आदमियों के दिमाग में जिससे उनके खेल पे असर पड़ता है। तो उस बात में ये पक्का है, अगर किसी के माइंड में बहुत ज्यादा डाउट है तो, और उसको जितना वेट कराओगे तो शायद डाउट उतना बढ़ता चला जाता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है और ये हमेशा देखा है, और हमारे टाइम में तो ये कहा करते थे अगर कोई, अगर किसी का फॉर्म नहीं है और कोई थका हुआ है या कोई इस मेंटली थका हुआ है कुछ भी है, तो अगर वो चार नंबर खेलने वाला है उसको अगर आप सात कर दोगे ना तो एक बात पक्की है, मैच आसान नहीं आएगा। करेक्ट। आसान मैच बल्लेबाजी के लिए ऊपर ही आता है, क्योंकि जब आपने 270 पे स्टार्ट किया है उस वक्त 270 रन बनाने हैं, 300 गेंदे हैं और 10 विकेट हाथ में, जब उसके बाद तीन विकेट गिर गई हैं, स्कोर 60 है 70 है 120 है जो भी है, तो उतना मुश्किल हो चुका है कि बल्लेबाजी का जो क्रम है उसका 50% जा चुका है। जब वो सात नंबर पे आएगा तो उसका बल्लेबाजी का जो भी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो सब कर पाता है रोज, वो 60-80% तो जा चुका है। तो आपने उनको आसान नहीं किया। तो पुरानी कहावत है, जब जो पीछे जाता है ना वो पीछे से बाहर ही हो जाता है, खेल के लिए नहीं गेम में। आप प्लेयर सिर्फ आगे जाके बन सकते हैं, चाहे वो अच्छे फॉर्म में है बुरे फॉर्म में, किसी को आप बचा नहीं सकते इस खेल से।